मैं आपको तोरी की सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ। ये एकदम सिंपल सब्ज़ी है, इसमें कोई प्याज लहसुन कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से सरल सब्ज़ी है, इसको हम लोग झटपट बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने तोरी को छील करके धो करके साफ कर लिया है इस तरह से। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बीच में से कट करते हुए इसको काट लेंगे। तो अगर इसके बीज पके हुए हैं तो आप निकाल दो, अगर कच्चे हैं तो उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसके बीज कच्चे हैं और मैं ना इसको ऐसे ही कट कर रही हूँ। तो ये देखिए आप है ना इसको इस तरह से कट कर लीजिए। तो ये देखिए बहुत आसानी से कट हो जाती है। और ये देखिए मैंने ना इसको काट करके पूरा एकदम से धो करके साफ़ कर लिया है। और इधर है ना मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखा था, जो कि गर्म हो चुका है। तो इसमें हम लोगों ने जीरा ऐड कर दिया है और थोड़ी सी इसमें हींग ऐड करेंगे। ये मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है और ये मैंने दो हरी मिर्ची कट करके रखी थी तो वो भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। देखिए हरी मिर्ची थोड़ी सी हल्की सी सिक चुकी है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी जो हम लोग पहले डाल देते हैं तो सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने हल्दी इसमें पहले ही ऐड कर दी है। और अब जो है ये तोरी जो कट करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको इस तरह से पूरा एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए एकदम से अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम लोग इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद में ये देखिए इसने पूरा जो इस पानी हमने ऊपर से नहीं डाला है, इसके अंदर जो पानी होता है वो ही ये छोड़ देती है, तो हमें पानी ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये हल्की पक भी चुकी है तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। नॉर्मली जो मसाले हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे धनिया पाउडर डाला है मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए लगभग सब्जी जो है हमारी बन चुकी है। पानी देखिए कितना पानी छोड़ा है इसने। अब हम इसे ढक करके 2 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करेंगे जिससे कि इस सब्ज़ी का टेस्ट जो है बढ़ जाएगा, वो है अमचूर। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है। और अभी एक चीज़ और बाकी है जो हम इसमें ऐड करेंगे और वो है मलाई। मलाई मैंने यहाँ पे दूध की जो फ्रेश मलाई होती है वो मैंने यहाँ पे यूज़ की है, तो उसको हम लोग इसके अंदर डालेंगे और उसको एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढक करके 2-3 मिनट और पकाएंगे। और देखिए 2-3 मिनट के बाद में देखिए हमारी सब्ज़ी जो है एकदम से अच्छे से पक करके रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ये जितनी अच्छी दिख रही है ना इससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी होती है। तो आप लोग इसे
एक बार ट्राई करें, बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगे। अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।